हाय गाइस, तो सीबीएसई से यहाँ पे 12th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए ऑफिशियल डेट लॉन्च हो चुकी है। सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि 25th अप्रैल को इकोनॉमिक्स का पेपर रिकंडक्ट होगा। जो भी डेट्स व्हाट्सएप पे और आगे पीछे वो नोटिसेस घूम रहे थे वो फेक है, ये सीबीएसई से ऑफिशियल डेट आई है 25th अप्रैल। और जो पेपर होगा वो ऑल इंडिया रीजन और दिल्ली रीजन दोनों का होगा, बट एनआरआई या फॉरेन रीजन, इन दोनों रीजन का नहीं होगा। क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि उनके पास ऑफिशियली यही रिपोर्ट आई है कि बाहर लीक नहीं हुआ था, ऑल इंडिया रीजन और दिल्ली रीजन का ही लीक हुआ था पेपर। और 10th क्लास का री एग्जाम डेट बताने से पहले मैं 12th क्लास वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ड्यू चाचा की सीरीज रिलीज होने वाली थी हमारी, वो सीरीज हम जल्दी अब रिलीज कर देंगे, तुम्हारे बोर्ड से पहले रिलीज कर देंगे। और होपफुली आपने वो फॉर्म फिल कर दिया होगा जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उस फॉर्म को अगर आप फिल करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करोगे तो हम आपको कॉल करेंगे, आपको ड्यू में एडमिशन प्रोसीजर में हेल्प करेंगे और आपके ड्यू में सेटल होने में हेल्प करेंगे। बेसिकली हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में है स्टूडेंट्स, तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सीबीएसई ने अभी डिसाइड नहीं किया है क्या डेट आएगी, डेट जल्दी आ जाएगी 10th क्लास के मैथमेटिक्स की। बट अगर 10th क्लास का रिकंडक्ट हुआ तो 10th क्लास का रिकंडक्ट सिर्फ दिल्ली और हरियाणा रीजन का होगा और कहीं का भी नहीं होगा, क्योंकि पेपर लीक की रिपोर्ट सिर्फ उसी रीजन की है। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पेपर सिर्फ दिल्ली और हरियाणा का ही रिकंडक्ट होगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, इस बारी पेपर और अच्छे से करके आना, कम गलतियां करना पहले के मुकाबले, और पेपर को इस बारी उन लोगों को एक जवाब देके आना जिन्होंने भाई पेपर लीक कराया था और जिन बच्चों ने पेपर लीक करे हुए से पढ़ाई करी थी।